वेलकम टू ईशानी वीडियोस। फिर लौट आए नागिन का आज का एपिसोड तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं हमने आपके लिए एक वीडियो अपलोड की है। वैसे आपको बता दें आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ खास होने वाला है। नंदिनी और मोहिनी की काफी बेहतरीन लड़ाई आपको देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ रागिनी की नई चाल देखने को मिलने वाली है। और यहां पर तांत्रिक बाबा की तरफ से अब एक ऐसी खबर दी जाएगी आनंद ठाकुर को जिसको सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाएगा, और उसी के वक्त रागिनी के ऊपर हमला होगा। अब आखिर में कैसे होगा, चलिए हम सब कुछ आपको बताते हैं। और यहाँ पर क्या राज अब नंदिनी को अपनाने के लिए कामयाब हो जाएगा, क्या नंदिनी का प्यार अब राज को पूरी तरह से भाने लगेगा, ये सब हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहे। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि नंदिनी और मोहिनी का आमना सामना बहुत ही बेहतरीन होते रहेगा, और यहाँ पर नंदिनी पहले काफी ज्यादा बुरी तरह से हार जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राज के ऊपर खतरा देख कर वो अपने आप का डर खत्म करेगी और यहाँ पर पूरी तरह से मजा चखाएगी, वो भी किसी और को नहीं मोहिनी को। और उसके बाद में यहाँ पर घर के अंदर आनंद ठाकुर के पास में एक तांत्रिक बाबा पहुंचे हैं जिन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से खबर बताई है कि घर में एक नाग और नागिन है जो कि ये सब तबाही मचा रहे हैं, और घर के अंदर कौन है वो नाग नागिन आनंद ठाकुर उसके बारे में सोचकर परेशान हो रहा होगा। वहीं घर के अंदर काफी ज्यादा हलचल मच रही होगी कि आखिर में मोहिनी बुआ गई तो गई कहाँ, किसी ने उनको देखा। तो यहाँ पर आनंद ठाकुर की बीवी आकर उससे पूछती है कि आखिर में यहाँ पर मोहिनी बुआ गई कहाँ और किसी ने मोहिनी बुआ को देखा है। तो तब तक यहाँ पर आता है कोई और नहीं राज, और राज बताता है कि आखिर में उसके साथ हुआ क्या। उसको सुनकर रागिनी काफी ज्यादा चौंक जाती है, वो बताता है कि मुझे मोहिनी बुआ मिली थी और वो मुझे एक घाटी पर ले गई जहाँ पर वो मेरी बलि देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले मैं वहाँ पर बेहोश हो गया। जैसे मुझे होश आया तो वहाँ पर मोहिनी बुआ नहीं थी। उसके बाद में काफी ज्यादा परेशान हो जाता है आनंद ठाकुर कि आखिर में मोहिनी गई तो गई कहां और वो बलि क्यों देना चाहती थी, उसकी शक्तियां क्या हैं, ये सब सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी की ये सारी हरकतें देखकर रागिनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और उसके बाद में यहां पर रागिनी अब राज के पास में जाकर उसका हाल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन राज फिर से उससे दूर होने लग जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल, क्या रागिनी और यहां पर कामयाब हो पाएगी राज और नंदिनी को अलग करने पर या फिर नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या राज और नंदिनी एक हो पाएंगे, कमेंट करके जरूर बताना और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।